ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन असूल बहुत सारे असूल हैं कि आदमी इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारे खुशगवारी ज़िंदगी कैसे गुजारे तो इज़्ज़त के साथ अपने वक़ार अपने मर्तबे को बाकी रखते हुए ज़िंदगी कैसे गुजारा जाए इसका एक असूल मैं आपके सामने रखता हूँ हजरतानस रजी अल्लाह तदिम रसूल सल्ला वसलम हैं नब करीम सलाम की ख़िदमत की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि नबी करीम रतम ने फ़रमाया व्याया का वक़ुल्लाम्रन यूरुमिन कि अपने आप को हर उस काम से बचा कर रखो हर उस काम से अपने आप को दूर रखो कि जिसकी वजह से तुमको बाद में माजरत करनी पड़े बाद में तुमको उज़्र पेश करना पड़े ये नब करी सातम की तालीम है और हम और आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं, हैं कि एक इंसान तो उसका वक़ार अल्लाह रब्ज़त ने बढ़ाया ही है जगर मखलूक़ात पर साथ ही साथ जब इंसान मोमिन हो तो फिर ऐसी सूरत में उसकी ये ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो कोई बात कहने से पहले सोचे कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ इसीलिए अरबी में कहावत है फ़किर मरा फ़ुल सौ दफ़ा सोच फिर उसके बाद बोल लिहाजा बोलने से पहले आदमी को सौ सो दफ़ा सोचना चाहिए कि मैं जो कहने जा रहा हूँ क्या ऐसा है कहने के बाद मुझे माजरत करनी पड़े मुझे सॉरी बोलना पड़े ठीक है ग़लती से रुजू करना मेरे भाई ये इंसानियत का शेवा है ये इंसानियत की बहुत बड़ी पहचान है कि आदमी अपनी ग़लती से रुजू कर ले। लेकिन बार बार गलती करना फिर बार बार उस गलती के बाद माजरत करना और माफ़ी मांगना ये अच्छी बात नहीं है ये अच्छी बात नहीं है इसीलिए मोमिन को अक्लमंद कहा गया कि मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता मतलब यह है कि एक दफ़ा अगर उससे गलती हो गई तो फिर उसी गलती को वो बार बार नहीं दोहराता हाँ दूसरी गलती कर सकता है लेकिन एक रास्ते से जा रहा है किसी गढ़े में गिर गया तो जब उस रास्ते पर जाएगा दोबारा तो बहुत सावधानी के साथ जाएगा कि इस रास्ते पर चलते हुए पहली दफ़ा मैं गढ़े से गिर पड़ा था लिहाज़ा गलती करके फिर गलती को ना दोहराना ये मोमिन की पहचान है और बार बार उसी गलती को दोहराना तो ये आदमी का फैसला है फिर ये फिर ये गलती नहीं है ये आदमी का फैसला है कि मैं यही करूँगा ये मुझको सही लगता है तुमको गलत लगता है लेकिन मुझको सही लगता है एक दूसरी हदीस में नबी करीम रतलाम ने तकरीबन इसी मफहम की हदीस है अल्लाह के नबी ने फरमाया ला बगीबिन मोमिन कि किसी मोमिन बंदे के लिए मुनासिब नहीं है अयुदल्नफसा हूँ कि वो अपने आप को जलील करे रसुआ करे वो अपने आप को ज़लील कर रसुवा करे तो साहबी ने कहा नबी करी तो सलाम अल्लाह के नबी ये बताइए कि मोमिन वक़ीफ़ एयुदलोनफसा कि मोमिन भला अपने आप को कैसे ज़लील करेगा जबकि हर आदमी इस बात का ख़ा होता है कि मेरी इज़्ज़त की जाए मेरी बड़ाई की जाए मेरी तारीफ़ की जाए ऐसे बात बोलूँ कि जिससे मेरी इज्जत में इजाफा हो ऐसा काम करूँ कि जिससे मेरे वक़ार में इज़्ज़त में इजाफ़ा हो लोग मेरी तारीफ़ करें तो भला कैसे एक आदमी एक मोमिन अपने आप को जरियर करेगा नबी करी ने कहा वो इस तरीके से कि आदमी अपने सर पे किसी ऐसे काम का बोझ ले या कोई ऐसी बात कहे या किसी ऐसे काम का बेड़ा अपने सर पे ले ले कि जिसकी ताकत वो ना रखता हो लिहाजा बोलने से पहले सोचना करने से पहले गौर करना इल्मी एतबार से और जिस्मानी एतबार से या फिर एक क्या कहते हैं कि ये मेरा फील्ड है कि नहीं है मैं कर पाऊंगा कि नहीं आदमी को ग़ौर करना चाहिए इसलिए कि आदमी जब एक बार उसका बोझ ले लेगा तो फिर ना करने की सूरत में उसकी रसवाई होगी इस वजह से आदमी को ऐसे काम से बचना चाहिए कि उसको बार बार सॉरी बोलना पड़े बार बार एक ऐसा होता है मैंने हजरत अनस के बारे में इस हदीस को पढ़ते हुए जब रावी हदीस पर गौर किया हजरत अनस जिन्होंने नब करीमसरा सलाम की खिदमत की तो पता चला कि बहुत सारे लोग बार बार ये कहते हैं कि नब करी सलाम अपने खादिम के बहुत सारी गलतियों को माफ़ कर दिया करते थे अल्लाह के नबी अपने खादिम की कई गलतियों को माफ़ करते थे वही खादिम नबी करीम सात वाम की इस बात को बयान कर रहे हैं मतलब यह है कि हम सौ बार माफ़ करेंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम सौ बार माफ़ करने की वजह से आप सौ बार वही गलती करें यह खादम रसूल हैं कि जिनके बारे में कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी अपने खादिमों के सौ गलतियाँ ठीक है सौ गलतियाँ माफ़ करते थे लेकिन यही खादम रसूल है नबी करीम सतलाम हाँ? का एक कौल बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया है कि ऐसा काम मत करो कि जिससे तुमको माजरत करनी पड़े इसलिए कि इंसान का मेरे भाई मोमिन का खसूस अपना एक वक़ार है अच्छी बात नहीं है कि आप बार बार सवारी बोलें आप बार बार माफ़ी मांगें क्यों ऐसा काम करें कि हमको बार बार सॉरी बोलना पड़े क्यों ऐसा काम करें हमको बार बार उज्र पेश करना पड़े मोमिन की अपनी शान है अपनी पहचान है मोमिन खुददार होता है खुद एतमाद होता है बार बार गलती करके उसमें माफ़ी मांगने के लिए मोमिन नहीं पैदा हुआ है